आपके जितने हीरो हैं सारे फॉरेन इन्वेडर हैं, यहां से औरतें ले जाते थे वहां औरतों के बाजार लगते थे काम, आप उनको अपना हीरो मानते हैं, आपको मार मार के उन्होंने मुसलमान किया था और वो लुटेरे थे, लूट के हर चीज काबिल ले जाते थे। हमने हमेशा से ऐसे जंगजू किस्म के लोगों को अपना हीरो माना जिन्होंने खून बहाया या नुकसान किया लोगों। मैं रिफ्यूज करूंगा उनको हीरो मानने से। मैं लोकल हीरो मुझे को बताए जिसने आज तक किया कि ये भारत यूनाइटेड भारत के लिए किया होगा, मैं उनको हीरो मानूंगा। मुझे अफ्रीका में आकर दोबारा हिस्ट्री पढ़नी पड़ी। वो लुटेरे थे भाई, वो लूटने आए थे और बजोरे तलवार आपको अलग। हमने शायद जो हमारे असल हीरोज हैं, चाहे वो डॉक्टर परवेज गुड भाई हो, चाहे डॉक्टर अब्दुल सलाम हो या कोई भी हो, कावस्ती आदर्श कावस्ती हो, जो हमारे मेन मतलब कहना चाहिए जिन्हें हमें हीरो मानना चाहिए था, हमने उन्हें भी नहीं माना। हमने हमेशा से ऐसे जंगजू किस्म के लोगों को अपना हीरो माना है जिन्होंने खून बहाया या नुकसान किया लोगों को। आप हीरो अपना मानते हैं वो पाकिस्तानी ही, वो लुटेरे थे, वो लूटने आए थे और बजोरे तलवार आपको। हालांकि कन्वर्जन, मैंने आपको कई दफा कहा, कन्वर्जन बाई फोर्स नहीं होती किसी मसल में। उन्होंने आप पे टैक्स लगा के आपको मार मार के उन्होंने मुसलमान किया और वो लुटेरे थे, लूट के हर चीज काबिल ले जाते थे, यहां से औरतें ले जाते थे वहां औरतों के बाजार लगते थे काबिल। आप उनको अपना हीरो मानती हैं, जंगजू उनको आप कहते हैं। यही तो अभी है, मैंने आपको अर्ज की थी आरजू, मुझे अमरीका में आकर दोबारा हिस्ट्री पढ़नी पड़ी। आपके जितने हीरो हैं सारे फॉरेन इन्वेडर हैं, वो फॉरेन इन्वेडर मैं मानता हूं। मुझे ये बताएं, कसरते मैन होशी शराब की ज्यादती की वजह से कई सब की ज्यादती होती है, 300 औरतें उनके हरम के अंदर होती थी। इस्लामिक ये क्या टच है, ये इस्लाम बता रहा है? आप शराब पी लिया, 300 औरतें रखी आप बगैर निकाह के, वो आपके हीरो हैं? वो आप किन हीरो की बात कर रहे हैं? मैं रिफ्यूज करूंगा कोई हीरो मानने से। मैं लोकल हीरो मुझे को बताए, उसका नाम बताएं मुझे लोकल हीरो जिसने आज तक कभी पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, भारत यूनाइटेड भारत के लिए किया होगा, मैं उनको हीरो मानूंगा जिन्होंने अपनी कौमियत के लिए, जिन्होंने अपने अपने मुल्क के लिए, मैं उनको नहीं मानूंगा बिल्कुल। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात यह है, मैं वो हमारे फैसलाबाद से क्या लालपुर से बहुत लीडर थे आज़ादी के लिए, उन्होंने कुर्बानी दी, उनको फांसी पर छोड़ दिया गया, गाजी अलमुद्दीन शहीद को, मैं उनको हीरो मानूंगा। मैं इनको मानूंगा जो लोकल थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। मैं बिल्कुल फॉरेन इन्वेडर को, जो आप पठानों को हीरो बना लेती है, अफगानी और टर्किश और जो के ईरानी थे, वो सारे कुछ मैं वो मुगल थे, सारे थे वो मंगोलियन थे, वो तो यहाँ पे आपको लूटने आते थे, आप बच्चे उठा के ले जाने आते थे, आप उनके आप उनके जादू में इतने पीछे चले, आप कहते थे हमारे हीरो मेरा, मैं उनको हीरो नहीं अपना समझता, भगत सिंह मेरा हीरो, गाजी अलम दीक्षा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन सर आप जैसे अमेरिका में रहते हैं, आपको लगता है कि अभी भी कोई पाकिस्तानी ऐसे अमेरिका में पहुंच रहे हैं जिन्होंने एजुकेशन में आगे बढ़े हों और वहां पे किसी बड़ी जगह पे लगे हों? जैसे इंडियंस जाते हैं कभी कहीं के सीईओज लग जाते हैं, कभी किसी कंपनी के लग जाते हैं, क्या पाकिस्तान उस जगह पहुंच पा रहा है? थोड़ा सा भी सही, लेकिन कोई आपको लग रहा है कि कुछ इस किस्म के यहाँ से भी लोग जा रहे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नॉट एट ऑल। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे अगर वो होता तो आपको नजर आता, वो कांग्रेस में नजर आता, कुछ ऐसा नजर आता, हमारे लोग वहां से भाग कर आते और वो पाकिस्तानी कलवारे में कोई फख्र महसूस नहीं करते। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जहाँ पे यहाँ पे उन्होंने बड़ा पैसा कमाया, लेकिन मैंने कई दफ़ा जो चीज़ें थी, मैंने पाकिस्तानी एम्बेसडर से पूछा, ये फलां फलां लोग बड़े अच्छे हैं, इनके अच्छी पोजिशनिंग है, इनसे बात करें, वो कहते वो तो पाकिस्तान का नाम सुन के दो कलाम पीछे हट जाते हैं। तो वो हमारे को प्राइड नहीं है, नेशनल प्राइड कोई नहीं है, कौमियत कोई नहीं है। यहाँ पे जो भी आया बेचारा लूट लूट लूटा फटा आया पाकिस्तान से, उसने दोबारा वहां जाने की कोशिश नहीं, प्राइड को नहीं, ये ज्यादा वो जरूरत है इस चीज को, मजीद पाकिस्तानी डायस्पोरा को, कि सेकंड जनरेशन के अंदर एक पाकिस्तानी प्राइड को उजागर किया जाए, उनको बताया जाए कि आपका हेरिटेज क्या है, यू नीड टू हैव प्राइड इन इट। जब आप प्राइड होती तब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते, हाँ पाकिस्तानी है काफी, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे वो कहते बी माई सेल्फ एंड माइंड, सिर्फ अपने लिए वो गाड़ी ले ली, घर ले लिया, अपने लिए पैसे बैंक में रख लिए, बच्चों को छोड़ने चले गए, इससे ज्यादा आगे कुछ। इनसे साथ साथ इमरान खान ने तो ये भी कहा था कि जी मैं ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलवाऊंगा, आपके ख्याल से अभी भी ग्रीन पासपोर्ट देख के लोग पीछे हट जाते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी जाते हैं वो भी लुटे पुटे आते हैं, लेकिन बाकी कंट्री के लोग भी पाकिस्तानी पासपोर्ट को यही समझते हैं कि सबसे थर्ड क्लास पासपोर्ट है, पीछे कर दो इनको। आप ये देखें ना, खासा में 3.5 साल में कोई एफर्ट की पाकिस्तानी पासपोर्ट में? अच्छा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की एक छोटी सी बात, आज आप आरजू, मैं अगर आपको कहना शुरू कर दूं कि आरजू कल से आप मेरी इज्जत करनी शुरू करें, आप मेरी इज्जत नहीं करते, आप क्यों करेंगे? फिर इज्जत अर्न की जाती है, कमाई जाती है, मोहब्बत प्यार ये अर्न किया जाता है, ये खरीदा नहीं जा सकता। खान साहब की यही मिसअंडरस्टैंडिंग, भाई ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत के लिए आपको बिहेव करना पड़ेगा, अपनी कौम की तरबियत करनी पड़ेगी,
कि यार इस तरीके से अच्छे करेक्टर पैदा करो, अच्छे रोल मॉडल बनो। खान साहब आप तो खुद रोल मॉडल अच्छे नहीं, आपके पीटीआई के जो बच्चे आपने ट्रेन किए हैं ये लौटे ना पाड़े, ये किस तरीके से खवातीन की बेइज्जती करते हैं।